हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको पढ़ चुके थे। और इसी में कुछ डिवाइसेस का नाम बताए थे, कुछ अप्लायंसेस का नाम बताए थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब क्या करते हैं, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करते हैं। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब किसी कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, तो उसके रेजिस्टिव प्रॉपर्टी के कारण, रेजिस्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या बताया, यानी कि जब करंट कंडक्टर में पास करेगा तो कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो करंट के पास होने को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा या रोकेगा, तो उस रोकने वाली प्रॉपर्टी को, प्रिवेंट करने वाली प्रॉपर्टी को, या उसी को रेजिस्ट बोला जाता है। रेजिस्ट मतलब रोकना। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के कारण जो कंडक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, हीट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, हीट कर जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी ड्यू टू व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू इट्स रेजिस्टिव प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द अप्लायंसेस बेस्ड ऑन दिस इफेक्ट इज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन etc. तो हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि उसमें जो एलिमेंट्स होता है उसको क्या कहा जाता है और क्या उसका यूजेस है। तो इसके अलावा हम लोगों ने फ्यूज के बारे में भी पढ़ा था कि फ्यूज क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। कब ब्रेक करता है, जैसे कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग मालूम है ना सबको? अगर एक लाइव वायर यानी फेज वायर भी उसको कहा जाता है और एक न्यूट्रल वायर किसी तरह से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाए, या फिर क्या हो जाए कि जितना रेटिंग है, रेटिंग का मतलब कहीं लिखा है कि हाँ ये 2 एम्पियर या 5 एम्पियर तक का ही लोड दे सकता है और उस रेटिंग से ज़्यादा वैल्यू हो जाए, ठीक है, तो वो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। नहीं समझ में आता तो ऐसे समझो, जैसे इनकी औकात है मान लो कि ये 30 केजी तक उठा सकते हैं और ये पता चला 30 केजी के बदले कोई 40 केजी या 50 केजी इनके सर पर रख दें तो वो बिल्कुल बैठ जाएंगे नीचे, उठा ही नहीं पाएंगे, ओवरलोड हो गया। नहीं तो ऐसे ही अगर मान लेते हैं कहीं इस रूम में एक कैपेसिटी है कि यहाँ पर 1000 वाट या 1500 वाट तक ही यहाँ पर पावर कंज्यूम किया जा सकता, उससे जैसे ही ज्यादा होगा तो क्या होगा, नहीं MCB गिर जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट होने से क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट मतलब ओवरलोडिंग के चलते ये MCB गिर सकता है या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से गिर सकता है। ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के केसेस में क्या होता है ना कि जो हमारा सर्किट होता है ना उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा करंट जो है ना फ्लो करने लगती है, ठीक है, तो उससे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब फ्यूज वाली जो समस्या है उसको दूर कर दिया गया। अब फ्यूज के बदले, फ्यूज वाले में उसमें क्या बताया था, रेजिस्टेंस कैसा होता है फ्यूज का, लो होता है क्या होता है फ्यूज का, लो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस हाई नहीं होगा तो क्या होगा, तब तो वो हीट ही नहीं ना करेगा। फ्यूज में जो वायर लगा होता है वो पिघल जाता, मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट कर जाता तभी ना वो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए कभी कभार क्या होता है, अगर फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज देखे हो ना, फिर देखे हो कि यहाँ पर भी हो सकता होगा, तो अगर वो उसमें कभी कभार क्या होता है जो कंपनी की तरफ से होता है या उसमें कितना वायर, कितना फील वायर होना चाहिए फ्यूज में, अगर उस वायर से अगर मोटा लगा दिया या फिर क्या होता है कि मोटा लगा दिया या फिर ज़्यादा रेजिस्टेंस का लगा दिया या फिर और भी कुछ दिक्कत कर दिया, कुछ भी अपने मन से तुमने जोड़ दिया कि बार बार फ्यूज गिर रहा है या उड़ रहा है, क्यों नहीं हम ज़्यादा तार लगा के जोड़ देते हैं कि
उस कंडीशन में अगर क्या होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोडिंग होता है, उसके बावजूद भी क्या होगा, तुम्हारा फ्यूज नहीं उड़ेगा। उड़ने का मतलब क्या है, यानी फ्यूज का जो वायर होगा वो मेल्ट नहीं होगा, और जब मेल्ट नहीं करेगा तो चाहे तुम्हारे घर का सारा अप्लायंस जल फूक जाए, कुछ भी हो जाए, वो फ्यूज लगाने से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, फ्यूज का काम ये है, बताया था कि फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, विच प्रोटेक्ट द सर्किट एंड इट क्या करता है, इट ब्रेक्स द सर्किट व्हेन एवर देयर इज ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट इन द रूम या जो भी है सर्किट। तो उसको, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए MCB यूज होता है। क्या यूज होता है आजकल, इसका फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। ऑटोमेटिक जैसे ही जो भी रेटिंग है उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिक MCB गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद है ये सब चीजें जो है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट यूज होता है जो कि ग्लो करता है, उसके ग्लो करने की वजह से ही लाइट एनर्जी मिलती है। लेकिन साथ ही साथ बल्ब जो है उसको अगर हम टच करें, छुए, तो छूने पर वो गर्म भी हो जाता है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी, दो चीज़ों। तो आजकल बल्ब हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बल्ब की एक डिमेरिट ये है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का केवल 80% हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केवल 20% ही लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम तो बल्ब जला रहे हैं लाइट के लिए ना, कमरे में लाइट हो, रोशनी हो, लेकिन वो लाइट तो 20% दे रहा है, 80% एनर्जी को वेस्ट कर दे रहा है। जो हीट हो जा रहा है, बल्ब गर्म हो जा रहा है, तो उसका क्या यूज, कोई यूज नहीं। तो इसलिए बल्ब को आजकल यूज करना हम लोग बंद कर दिए, और इसके बदले और इसमें हम लोग यूज करते थे टंगस्टन में, और इसमें जो टंगस्टन का बनावट या एलिमेंट इस तरह से होता था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। मेल्टिंग पॉइंट हाई का मतलब ये है कि अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बावजूद भी वो जल्दी पिघलेगा नहीं, यानी कि फिलामेंट जलेगा नहीं, यानी बल्ब खराब नहीं होगा। हाई रेजिस्टिविटी इसलिए क्योंकि हमने बताया था कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। तो अगर उस एलिमेंट का रेजिस्टिविटी अधिक नहीं होगा तो बल्ब का एलिमेंट हीट नहीं करेगा, ठीक है, कम करेगा। जैसे हमने बताया जो ये कॉपर वायर यूज हुआ इस वायरिंग में, तो इसका रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसमें करेंट फ्लो करता है, तार कहीं हीट नहीं होता है। लेकिन इसी अगर हम लोग वायरिंग में कहीं प्लग में अगर हम लोग हीटर या इलेक्ट्रिक आर्म सब चीजें लगाते हैं तो वो ग्लो करता है, हीट कर जाता है, लेकिन ये नहीं करता है, नहीं। तो जहाँ लो रेजिस्टेंस होगा वहाँ हीट नहीं करेगा, जहाँ हाई होगा वहाँ पे हीट करेगा। तो इसलिए क्या होता है कि बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी का होता है, ये बात समझ में आई। उसके बाद हमने कहा कि अब इसका यूज भी हम लोग बल्ब का यूज लगभग बंद कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि ये इसमें केवल 20% ही लाइट एनर्जी देता है, 80% एनर्जी वेस्ट चली जाती है। तो इसके बदले आज पहले बीच में आता CFL। CFL का क्या फुल फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ठीक है। अब फ्लोरोसेंट का भी जमाना गया, आजकल जमाना किसका है, एलईडी का। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। ये बहुत कम वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, इसको मतलब 3 वोल्ट ही चाहिए, 3 वोल्ट भी मिलेगा तो ये ग्लो करेगा, ठीक है। और ये जो है जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं सब DC पे वर्क करता है। करंट के बारे में पढ़ोगे, डायरेक्ट करंट होता है और इनडायरेक्ट करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। ये सब जितने भी टीवी फ्रिज मतलब टीवी का फ्रिज मतलब उसके अंदर जो सर्किट होता है, उसके बाद टीवी भी है ना, तो उसके अंदर सर्किट है, उसमें डायोड रेजिस्टेंस कैपेसिटर ये सब लगाया, तो वो सभी जो है किसपे काम करता है, DC सप्लाई पे। अब कहोगे कि हम लोग तो AC वाले प्लग खोजते हैं, तो वहाँ पे अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के बाद उसको AC को DC में कन्वर्ट करने वाला सर्किट लगा होता है, इसलिए वो काम करता है, ठीक है।
तो ये ना सोचना कि हम 3 वोल्ट बोल रहे थे तो कह रहा 200-250 वोल्ट आता है, फिर वो कैसे बच जाता है। तो सब उसमें सर्किट लगा होता है, कंपोनेंट होते उसी को चेंज करता है। तो ये लाइट एमिटिंग डायोड फुटफॉर्म होता है। तो ये रहा बल्ब के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक हीटर, यानी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट है। तो उसमें एक दूसरा डिवाइस इलेक्ट्रिक हीटर आता है। इलेक्ट्रिक हीटर में जो एलिमेंट यूज होता है उसको हम नाइक्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइक्रोम। और ये नाइक्रोम क्यों यूज किया जाता है, ये क्या चीज होता है? तो ये भी जो है एलॉय ऑफ 20% क्रोमियम एंड 80% निकल, यानी इसमें 20% क्रोमियम होता है और 80% निकल होता है। इनका एलॉय, एलॉय का मतलब मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। तो ये एलॉय हो गया। इसके अलावा इसका जो रेजिस्टिविटी होता है बताओ, हाई होगा कि लो होगा? हीटर है बोलो सभी लोग, हाई होगा। और मेल्टिंग पॉइंट लो कैसे हो जाएगा? लो होगा तो फिर तो तुरंत एलिमेंट जल जाएगा, पिघल जाएगा ना। समझाया था ना कि तुरंत एलिमेंट पिघल जाएगा, तब तो बार बार हीटर का वायर बदलते रहोगे, एलिमेंट ही चेंज करते रहोगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन का हो या तुम्हारा इलेक्ट्रिक हीटर का हो। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज बढ़ता जाएगा, हीट करेगा तब भी जल्दी नहीं पिघलेगा। और रेजिस्टिविटी इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उस हाई रेजिस्टिविटी के चलते ही इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इसमें चेंज होगा, हीट एनर्जी। तो इसलिए इसका इसमें हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। किसका? इलेक्ट्रिक हीटर में जो एलिमेंट यूज होता है, एलिमेंट का नाम नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें देखो बल्ब वाले में एक बात और बताना भूल गए थे कि जो बल्ब होता है बल्ब में से एयर निकाल कर तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उसका जो एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है, बल्ब अगर ग्लो कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया तो उसका ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाने से वो वायर जो होता है ब्रेक कर जाता है, इसलिए उसको एयर को निकाल के नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है, ठीक है। फिर आते अपने यहाँ टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या होता है कि चाहे हम इलेक्ट्रिक बल्ब हो, चाहे हीटर हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज करते हैं, तो एक उसमें ISI मार्क्स होता है। ये ISI मार्क्स क्या होता है? पहले तो BIS भी सब कम जानते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, एक ISI मार्क दिया जाता है। ISI का मार्क क्या फुल फॉर्म दिया है? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। ये इस तरह का ISI मार्क होता है और उसके क्या उसके क्वालिटी के बारे में बताता है, इसकी जो क्वालिटी है ए ग्रेड है और उसकी कुछ गारंटी वारंटी भी रहती है, ठीक है। तो ISI किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए एक स्टैंडर्ड है जिसको जब वो सभी मानकों पर खरा उतरता है तब उसको ISI मार्क दिया जाता है। जैसे हेलमेट यूज करते हैं ना हम लोग हेलमेट, तो सभी हेलमेट को ISI मार्क नहीं होता, आजकल तो ऐसे नकली ISI मार्क भी सब बना देता है, ठीक है, पकड़े भी जाते हैं। लेकिन जो अच्छे हेलमेट है 1000-1200 तक का है, जो अच्छी कंपनी का, तो उसमें भी ISI मार्क रहता है। वो अगर कहीं गिर भी गया है ना तो सर वर्ष नहीं फटेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी हेलमेट की क्वालिटी अच्छी है। अब बाकी सब 100-150 ऐसे नीचे से यहाँ से आते छूट गया बस दो टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है, जैसे कद्दू फूट जाता है। तो वो चीजें जो है क्वालिटी को ये क्या करता है, इंश्योर करता है किसी भी चीज का।